हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द स्लम टेस्ट। तो आंसर है दोस्तों, टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स एंड टू चेक फॉर द रिक्वायर्ड स्लम। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द प्लास्टिसाइजर। तो इसका आंसर है दोस्तों, यूजुअली अप्लाई एट अ लो वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट टू मेक इट वर्केबल। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट दैट कैन बी पोर इनटू अ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, मिनिमम एंड मैक्सिमम एटमोस्फेरिक टेम्परेचर प्रायर टू पेविंग। तो इसका आंसर है, मिनिमम इज 5 डिग्री सेल्सियस इन कोल्ड वेदर एंड 45 डिग्री सेल्सियस फॉर मैक्सिमम हॉट वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द साइट प्रायर टू पोरिंग। तो आंसर इज, मिनिमम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम इज 32 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्यूरिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंक्रीट मिक्स। और सेकंड पर्पज है, टू मिनिमाइज हेयरलाइन क्रैक्स। जो क्रैक्स आते हैं उसके लिए भी क्यूरिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग टू क्योर द स्ट्रक्चर। तो 7 days, आंसर इज 7 days। क्वेश्चन नंबर एट, कंक्रीट कैन बी ड्रॉप फ्रीली एट अ हाइट ऑफ, आंसर सभी को मालूम है 1.5 meter। क्वेश्चन नंबर नाइन है दोस्तों, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप ऑफ शूट यूज इन पोरिंग कंक्रीट। तो कंक्रीट डालते वक्त जो शूट यूज़ किया जाता है उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में सुपड़ा बोलते हैं उसको, तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्लोप इज 1:2 वर्टिकल टू हॉरिजेंटल एंड मिनिमम स्लोप इज 1:3। क्वेश्चन नंबर टेन है दोस्तों, एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशो ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। तो क्या एडवांटेज है, आंसर इज इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज वाटर टाइटनेस, लोअर ऑब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रेसिस्टेंस टू वेदरिंग, अ बेटर बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाउ ओल्ड यू कंपेयर 7 days एंड 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आंसर इज 70-75% ऑफ दैट ऑफ 28 days स्ट्रेंथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, व्हाट इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो आंसर है दोस्तों, इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ टू मटेरियल एज इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नॉन कंपोजिट स्ट्रक्चर। जैसे कंपोजिट स्ट्रक्चर देखा, अभी नॉन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ आइदर कॉन्क्रीट और अ स्टील। तो ये फर्क है दोनों में, कंपोजिट स्ट्रक्चर और नॉन कंपोजिट स्ट्रक्चर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, What are the two basic types of concrete? तो इसका आंसर है दोस्तों, structural and non-structural concrete। ये भी पूछा जाता है। अब देखते हैं important question number 15, What is hydration? तो it is the formation of compound by the combination of water and other substance, or in a concrete it is the chemical reaction between water and cement। तो ये hydration के ऊपर interview में question ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने सिर्फ 15 इंटरव्यू क्वेश्चन ही कवर किए थे, लेकिन ये जो बेसिक सवाल होते हैं, ये बेसिक नॉलेज होता है, ये हर सिविल इंजीनियर को इंटरव्यू में फेस करना होता है, साइट पर भी काम आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।